राम राम जी सारे ने, मैं आपका नसीब कटक परसाना, आई एम फ्रॉम हरियाणा और अभी मौजूद हूँ भाई जींद बस स्टैंड में। जींद का नया बस स्टैंड आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल होती है और वीडियो बनाते रहते हैं जींद बस स्टैंड की, ठीक है। आज आपको मतलब एक ऐसे इंसान से मिलाएंगे क्योंकि भाई उसने काफ़ी टाइम हो गया मतलब सेवा करते हुए, क्योंकि पानी की जो समस्या थी पिछली वीडियो भी आपने देखी थी भाई, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है जींद बस स्टैंड में। जब स्टूडेंट होते हैं सुबह मॉर्निंग में वो 9 बजे टैंक भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन कल तो संडे था, कल यहाँ पे टैंक भी नहीं थे और थे तो खाली थे। लेकिन ये जो यहाँ पे ताई जी हैं, ये पूछेंगे इनसे कितने वर्षों से यहाँ पे ये पानी पिला रही हैं, क्योंकि पानी पिलाने का ये काम करती हैं। जो भी आता है अगर श्रद्धा से कुछ 10-5 रुपये दे जाए तो बेशक से, लेकिन फ्री में ये मतलब फ्री में कोई चीज़ करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ताई जी बात करने की कोशिश करेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे जो ताई जी कितने टाइम से पानी पिला रही है। तो नमस्कार ताई जी, यहाँ हो गया ना 2 साल इस पर गए। अच्छा, और 80 साल पीछा पुराने पर। अच्छा जी, तो 80 साल से पुराने पर जो 80 साल से काम कर रहा है वो आपके जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने किया होगा ना, क्या आप ही कर रहे हो? मेरी सास पिया करती पहला। अच्छा, अरीबा में पिया। अच्छा, ये इस बस स्टैंड पर 2 साल से और पीछे 80 है। हाँ, तो देख सकते हो भाई जो बुजुर्ग थे मतलब बुजुर्गों ने जो चीज़ें की और वही ताई आगे तक उस चीज़ को निभा रही है, क्योंकि भाई फ्री में कोई चीज़ करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी तो यहाँ पे छाया है, जब 3 से 4 बजे का टाइम होता है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप आती है, क्योंकि आप समझ सकते हो जो मई जून के महीने होते हैं अगर हम 5 मिनट धूप के अंदर खड़े हो जाएँ तो तब भी हमसे खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन ये ताई जी हैं मतलब, वो किस टाइम तक पिलाते हो ताई आप पानी? 6 बजे 6 बजे लग। अच्छा, शाम में। और आते किस टाइम हो? 8:30 बजे। अच्छा, तो मतलब ये जो पानी का अरेंजमेंट किया हुआ है ये किसने किया हुआ है? युवा रद्वाजा राजेंद्र। अच्छा, राजेंद्र भारद्वाज। स्टार्टिंग से उन्होंने किया हुआ या इस बस स्टैंड पे उन्होंने किया? ना, उन्होंने शुरू से स्टार्टिंग से 80 साल भी। हां, अच्छा, उनके भी जो बुजुर्ग हैं मतलब आपके बुजुर्गों से कनेक्टिविटी थी? हां। तो क्या कुछ देते हैं आपको, कुछ पैसे वगैरह देते हैं वो? देवा 3,000 रुपये। अच्छा, 3,000 रुपये पहलो 2 दिया कर दे। अच्छा, उससे पहलो 800। अच्छा, अरीब 3 कर रखे। बिल्कुल बिल्कुल, देख सको भाई मतलब 3,000 में ताई सुबह मॉर्निंग में आती 8 बजे और शाम को 6 बजे तक है, क्योंकि 10-15 हज़ार में कोई बंदा काम नहीं करता कहीं भी। लेकिन इनकी जो सेवा है, सबसे बड़ी बात है कि सेवा भी कर रही है ये। ताई जी सेवा भी कर रहे हो आप, ठीक है, कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगा, मैं बैठी रहूँ सारे दिन राम से। अच्छा, तो जैसे जो कोई इंसान होते हैं कई जो कोई पैसे पूसे भी दे के जाते होंगे 10-5 रुपये? हाँ, देता कोई, देवा कोई ना देवा कोई नहीं देता ना कोई। तो देख सकते हो वही 3,000 में ताई जी गुजारा हो जाए। 3,000 में गुजारा हो जा, गुजारा 50-60 आ जा बस। अच्छा, इन गुजारा ठीक चल रहा है सिस्टम। हाँ, तो वही देख सकते हो इस ताई से खुश मैं इंसान नहीं मानता किसी को, क्योंकि लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं उसके बावजूद भी उनको कोई सब्र नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई अगर इस वीडियो को जिन्होंने इनको लगवा रखा है भाई, हम तो यही विनती करते हैं अगर आप पानी पीने आते हो तो अगर आप दे सकते हो 10-5 रुपये तो दिया करो भाई, अगर ये सेवा करते हैं सुबह से, ठीक है। देखो भाई अभी भी ये भाई साहब है, इन्होंने भी दिया, दिखा दे भाई एक बार रे भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मनोज कुमार भाई साहब। अच्छा, इधर आ जाओ। क्या नाम आपका? मनोज, बाबा कह दे तो। अच्छा अच्छा, हाँ ना, ये बहुत बढ़िया कर रही है ताई जी, यहाँ पानी पिला रही है नहीं, लोगों की सेवा कर रही है, तो मेरे को भी अच्छा लग गया। मैं कई बार पी के जाऊँ तो एक टाइम नहीं दे के दूसरा टाइम दे के जाऊँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों देने का भी है, देखो एक आदमी बैठा तो 5-6 हज़ार रुपये कमाओ है, तो ये तो बैठी है सेवा कर रही है तो अपना 3,000 मिलते हैं इसको। 3,000 रुपये के बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं तो ये कहूँ सभी से ये प्रार्थना करूँ कि देना चाहिए बिल्कुल। और एक ये है कि जो मेन अरेंजमेंट होती है जो बस स्टैंड की तरफ से अरेंजमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट भी आते हैं जो यात्री भी आते हैं, ठीक है, लेकिन खुद का अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे बस स्टैंड में। अच्छा, क्योंकि ताई जी है यही पानी पिलाती है बस। ठीक, हाँ बस स्टैंड की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है पानी की, बाकी 2-3 वो लगे हुए हैं बलजीत रेडू के नाम के पानी पिलाने के, बाकी ताई जी पिला रही है, मेरे को तो अच्छा लग रही है ताई जी पिला रही है नहीं तो। बिल्कुल, देखो जो ताई जी पिला रही हैं, क्योंकि ये आपको अगर सुबह आप 8 बजे आते हो और शाम को 6 बजे तक ये यहीं मिलती है। बिल्कुल, लेकिन जो ये टैंक होते हैं कभी खाली मिलते हैं कभी मिलते ही नहीं, तो पानी मिलता ही मिलता है ताई जी के पास में, तो ताई जी के पास तो मिलता है पानी। तो देख सकते हो मतलब
जो जनता आती है वो भी मतलब कितनी खुश होती है इन चीजों से। ठीक है, और है इसके पास सफाई के पास सफाई की भी सुविधा ठीक है, और मतलब बर्ताव भी ठीक है, और मतलब कॉर्पोरेट ठीक कर रहा है बिल्कुल। देखो अगर 3,000 में अगर किसी से अगर देखो नौकरी है सुबह 8 बजे आती है और शाम को 6 बजे जाती है, बिल्कुल जाती है, तो 3,000 में कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं रह सकता। ये तो मतलब आम जनता का सहयोग से थोड़ी बैठी है ताई जी, 10-20 रुपए दे देते हैं उससे। और एक 80 साल हो गए जो 80 साल पहले पहले पुराने बस स्टैंड पे भी लगा करते हैं, अभी यहाँ पे सेवा की है और अब ये कर रहे हैं। बिल्कुल काफी टाइम से कर रहे हैं ये सेवा, जी जी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं तो सब ने कोऑपरेट करना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो कोऑपरेट करना चाहिए तभी कोई चीज हो सकती है भाई। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई कोऑपरेट करना चाहिए चीजों को, क्योंकि जो ताई जी हैं ठीक है जो इतने सालों से ये काम कर रही हैं, तो ताई जी मतलब कई बार ऐसा नहीं लगता आपको कि क्या है मतलब मैं क्या कर रही हूँ, कभी जी नहीं उतरा इस चीज से करने से? ना जी नहीं उतरा मेरा, सवेरे आलू में तो शाम न जाऊं। चलो आंटी जी बहुत भाई देख सकते हो मतलब इंसानियत की बात होती है ये, क्योंकि यहाँ पे बंदा सुबह आता है और शाम को जाता है। कई बंदे ऐसे भी होते होंगे ठीक है जो पैसे भी देते हैं ठीक है, और उसके बावजूद कई ऐसे भी होते हैं भाई पानी पिला कर पानी पी करके, कई तो ऐसे भी होते होंगे आंटी जैसे पानी पी करके ठीक है एटीट्यूड में रख जाते हैं चीजों को, ये बर्तनों को, होता है ऐसा कभी? मैं ना समझ में नहीं, गिर जाए मतलब कई बर्तन ऐसे यहीं पे गिर जाते हैं सही से रखते भी नहीं? हाँ गिर जा, खुले भी गिर जा सारे खुले पाना सवेरे। अच्छा पंडे देख सको भाई, और भाई भी है हमारे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब, आपके दर्शकों को भी बहुत सारी ढेर सारी। भाई साहब आपका जगत पहलवान नाम है, एडा पायलट हाँ बस के जिंद्रवाणा रूट के। अच्छा अच्छा, मैं लिया ताई ने पुराना बस स्टैंड में भी देखा हाँ, अरबी देखा, बड़ी सेवा करे। चलो ये तो 2-3 हज़ार वाली कोई बात नहीं होती, किसी का गुजारा भी नहीं होता इतनी बात में। इब कुछ लोग दिखावटी करे हैं, इब राजेंद्र भारद्वाज है जो भी सज्जन है बहुत बढ़िया आदमी है, बेरा तो मामने ताई तो पूछे पासे बेरा पटेगी वो राजेंद्र भारद्वाज या सेवा दे रहा, देख लो कड़िया दिखता नहीं और निस्वार्थ सेवा करे, सेवा होती वो करनी। और कुछ जैसे बलजीत रेड्डू है एक टैंकर हेडे करे भाई, बोट बैंक ला ले, टिकट का चक्कर ला ले भाई, कुछ भी हो अच्छी बात है बलजीत रेड्डू भाई, तो तरक्की करे बढ़िया भाई, पानी बढ़िया लैके बढ़िया मीठा पानी लैके इधर भेज दे कर सारे प्यो तरह पानी तो भेज दे, तो उन बड़ी अच्छी बात है, ठंडा भी है लेकिन पानी बरकत नहीं करता भाई, वो टाइम पे मिलता ही नहीं है, कई बार मिलता भी नहीं, बस नु है छुट्टी पड़ जाए तो होता ही नहीं, दूर एक दो दिन की छुट्टी, कल पानी नहीं था यहाँ पे ताई के अलावा, ताई तो हर रोज बैठती है। बलजीत रेड्डू है और जिसे बलजीत रेड्डू के भाई हैं भाई, सेवा करो नहीं, चलो ठीक है वो तो आगे एक अपने फ्यूचर जैसी प्लानिंग है, लेकिन बढ़िया तरीका रहता है सेवा करो भाई, कोई छुट्टी का टाइम नहीं होना चाहिए, बस छुट्टी है तो पानी टैंकर वो कर दिया। हाँ अगर सेवा कर रहे हो तो फिर सही सही करो, जैसे ताई कर रही है, मतलब एक नु नहीं कहता कि निस्वार्थ चीजें होनी चाहिए, ताई निस्वार्थ सेवा करे, एक निस्वार्थ है यार क्यों है, कुछ नहीं होता वैसे घर की सब्जी पानी चलने वाली बात है। और मैं उस सज्जन का भी धन्यवाद करता हूँ राजेंद्र भारद्वाज का, जिन्होंने ताई बिठाए रखी है, पानी के पंडे मटके मोल ले आके दे रखे हैं, डेली कैंपर डलवाओ है, जब भी पानी समट जाए नहीं और तो भी पानी पहुँचाओ, ताई का पानी नहीं समटता भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अरे इतना ठंडा मीठा पानी है जिसे हरिया पी के, अरे एक नीम बच रहा है इस बस स्टैंड, बाकी हरा खूड वृक्ष कोई भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, और ना इस बस स्टैंड पर कोई पीने योग्य पानी जो कि मतलब सरकार सुविधा दे। हाँ नहीं मतलब यहाँ पे तो है ही नहीं सुविधा ही नहीं, मतलब एक होता है ना, सुनना में आया था कि पानी की सुविधा होगी भाई, विभाग कड़िया तो सुविधा करेगा, पाइपलाइन ले आओगा, पता नहीं कब आओगी केयर होगी, काफी कम 3 साल हो गए इस बस स्टैंड को बने हुए, वो फिर कब आएगा? सबसे जरूरी है भाई पानी, पीने के लिए पानी, और जो वॉशरूम शौचालय है नहीं वो साफ सुथरे और ढंग के होने चाहिए, कई बार टूटे फूटे पड़े हैं, नया बस स्टैंड है बिल्कुल यू, आदमी सवारी आन जान वाला है, शौचालय में जावा है, वॉशरूम में जावा है, लेकिन ये सुविधा जरूरी है, पानी पात और शौचालय बिल्कुल होना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई पहले भी हमारी वीडियो देखी है आपने, क्योंकि हमने शौचालय की भी वीडियो पीछे दिखाई थी आपको बस स्टैंड की, कि वहाँ टूंटियाँ, उसके बावजूद सुधार भी हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे भाई सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ, लेकिन उसके बावजूद फिर से मतलब कुछ टाइम बाद फिर से ऐसे ही हो गया। लेकिन पानी की भी आपको दिखाई थी पिछली बार, बिल्कुल लाइव आपने तस्वीरें देखी थी, टैंकर भी खड़े थे, खाली खड़े थे, लेकिन जो वाटर कूलर थे, बताया जा रहा था कि वाटर कूलर ये चलते हैं, जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी वो चीज़ें पानी को चेक करके चीज़ें बताई कि भाई नहीं ये खारा पानी है, और अंदर इतने जाले लगे हुए थे वाटर कूलर के अंदर, बस एक दिखावा दिखावा रह गया और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा एक मकसद था बस, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें ताई जी के पास आते थे, पानी पीते थे, अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे होती है तो उसको जनता के सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज़ को
बकवास ही दिखाते हो। आपने ये भी बताई है पानी नहीं होता, लेकिन पानी है, यहाँ पे है, आप आके पी सकते हो। क्योंकि ये कैसे, हमने ये इस बात से जो लड़ाई है कि भाई जो प्रशासन है वो अरेंज करे इस चीज़ का, लेकिन जो भी ये ताई जी पहले भी पुराने बस स्टैंड में था पानी पीने का, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे पानी पिलाते थे, इनके जो बुज़ुर्ग थे वो भी पानी पिलाते थे, लेकिन अब भी ये जो ताई है अब खुद यहाँ पे बैठी रहती हैं, धूप में भी, क्योंकि धूप भी आती है, अब धूप आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये यहीं इनकी एक ही लोकेशन है, ये यहीं बैठी रहती है। तो ताई जी जब शाम 3-4 बजते हैं तो धूप तो बहुत लगती होगी यहाँ पे? हाँ धूप तो लगा बैठी रहूँ धूप में। अच्छा धूप लगती है? हाँ लगा धूप तो फिर पानी। तो देखो ताई के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है? अगर कोई चीज़ जैसे अच्छी पॉजिटिव वे में होती है तो हम पॉजिटिव वे में भी दिखाते हैं, तो यही मकसद था भाई, जो ताई जी इतना सेवा करती है, जो इतना पुण्य कमा रही है, ठीक है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि 3,000 में किसी का गुजारा नहीं होता, आप खुद समझते हैं। तो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा।